बहादुरगढ़ में कोरोना के दो नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे पहले ही कोरोना फ्री हुआ था शहर और अब मामला सामने आया है। बहादुरगढ़ में कोरोना के 3 एक्टिव मामले सामने आए हैं। रैंडम सैंपलिंग में कोरोना संक्रमित एक महिला मिली है। वहीं भगत सिंह कॉलोनी में ये महिला रहती है जहां पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही थी और वहां ये महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। शक्तिनगर में भी कोरोना का केस सामने आया है। ठीक होकर लौटे कोरोना संक्रमित का परिजन भी पॉजिटिव पाया गया है। वहीं जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब 93 तक पहुंच चुकी है। तो ये बहादुरगढ़ में कोरोना के दो नए मामले सामने आए हैं और दो नए मामलों के बाद दरअसल बीते 24 घंटे पहले ही कोरोना फ्री ये शहर हुआ था और दो नए मामले सामने आने के बाद अब कहीं ना कहीं चिंता बढ़ चुकी है। कोरोना के 3 एक्टिव केस अब बहादुरगढ़ में हैं। रैंडम सैंपलिंग में महिला कोरोना संक्रमित मिली है तो फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। भगत सिंह कॉलोनी में ये महिला रहती है जहां पर रैंडम सैंपलिंग की गई थी और उसके बाद महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। शक्तिनगर में भी कोरोना का एक केस सामने आया है और ठीक होकर लौटे कोरोना संक्रमित का परिजन भी पॉजिटिव पाया गया है। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या अभी जानकारी है? हालांकि कुछ देर पहले जानकारी मिल रही थी कोरोना फ्री होने की तरफ ये इलाका था, लेकिन अब जो फिलहाल जानकारी है उसमें चिंता बढ़ चुकी है प्रशासन की। जी शिवेंदु, बहादुरगढ़ शहर भी कोरोना फ्री हो गया था लेकिन 24 घंटे के अंदर ही दो केस सामने आए हैं। तो जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार जो रैंडम सैंपलिंग कर रहा है, रैंडम सैंपलिंग क्रोनिक डिजीज की जो जो ग्रसित थे जो लोग उनकी भी सैंपलिंग की गई थी। इसी दरमियान एक मामला सामने आया है कि भगत सिंह कॉलोनी की महिला जो विजय रोहतक में उपचार करा रही थी वो पॉजिटिव मिली है। दूसरा एक जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति था स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुका था लेकिन उसके परिजनों की रिपोर्ट पेंडिंग थी, उसका एक परिजन अब कोरोना संक्रमित मिला है। जिला स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो लगातार रैंडम सैंपलिंग की गई उसके जरिए ये मामले सामने आए हैं और लगभग अब पूरे जिले की स्क्रीनिंग हो चुकी है और इक्का दुक्का कोई मामला सामने आ सकता है, अन्यथा लगभग ये जिला कोरोना फ्री हो चुका है लेकिन ये अब 3 मामले कोरोना के एक्टिव हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण इस पर जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये 3 मामले अभी एक्टिव बचे हैं और